Hello everyone, welcome back to my channel Code Media. Today in this video, we're going to continue making our weather app. In the previous video, we created the basic structure using HTML CSS. In this video, we're going to call API using JavaScript. So let's get right into it. Alright everybody, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने HTML और CSS से पिछले वीडियो में हमारा पूरा स्ट्रक्चर हमने बना दिया था वेदर ऐप का. जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली, यहाँ पे सिटी का नेम लिखा है, टेम्परेचर है, आइकन है हमारा, वेदर का स्टेटस है, ह्यूमिडिटी लेवल है, विंड स्पीड है, तो और हमारे पीछे बैकग्राउंड में वीडियो भी चल रहा है. हम क्या करते हैं इसकी वेट को थोड़ा बढ़ाते हैं और बॉक्स शैडो दे देते हैं इसे. ओके, सो व्हाट वी गोना डू इज हम यहाँ पे सिर्फ इसकी वेट को बढ़ा देंगे. राइट, so let's go with 450 pixels. Right, और हम इसके height को भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं. Let's go with 550 pixels. Alright, अभी थोड़ा सही लग रहा है. So now और हम इसे क्या करेंगे कि इसके video को हम box shadow दे देते हैं. Box shadow 00 30 pixels 10 pixels. So basically हमारा एक shadow आ जाएगा थोड़ा dark color में और हम blur कर देंगे 30 pixels और इसे हम spread कर रहे हैं 10 pixels तक. So as you can see ये कुछ ऐसा दिखेगा और हम इसके border को भी radius दे देते हैं. So बॉर्डर रेडियस हम 12 पिक्सल कर देते हैं. एज यू कैन सी ये थोड़ा सही लग रहा है. एक काम करते हैं इसे 15 पिक्सल्स कर देते हैं और इसे हम ब्लर कर देंगे 40 पिक्सल्स. लेट्स सी अब ये थोड़ा सही लग रहा है. राइट, सो बेसिकली अब हम लोग बस जावास्क्रिप्ट में आते हैं. राइट, सो जावास्क्रिप्ट में हम लोग बेसिकली करने के हवाले हैं कि सबसे पहला स्टेप जो हमारा होगा हम अपने सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे. जैसे कि हमारा यू नो फॉर्म हो गया, ये इसमें इनपुट बॉक्स क्योंकि हम वैल्यू इसी से लेंगे, फिर हमारा सिटी नेम, टेम्परेचर, सब हम जावास्क्रिप्ट में HTML से सेलेक्ट करेंगे. सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स्टेंट city underscore name equals to document dot query selector. Now हमारा जो सिटी का नाम है बेसिकली इसे हमने div क्लास दे रखा है सिटी नेम. राइट, तो हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे डॉट सिटी डैश नेम. ना हम जो सेलेक्ट करने वाले हैं वो है हमारा टेम्परेचर. राइट, सो टेम्प इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट टेम्प. ऐसे ही अपने सारे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करेंगे. नाउ हमारा आइकन आ जाता है यहाँ पे, सो आइकन इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट आइकन. नाउ हमारा स्टेटस स्टेटस इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर dot status. Right, now उसके बाद status के बाद हमारा आ जाता है humidity और wind. Basically humid और wind क्योंकि हमें इसकी value को change करना है. Right, तो हम इसे इसी class को लेते हैं. Right, so now we're going to select humid, so constant humid equals to document dot query selector dot humid. Now what we're going to select is wind speed, so const
append speed equals to document dot query selector dot right, so when speed और हम बेसिकली यहाँ पे फॉर्म को इनपुट वाले फील्ड को भी हम सेलेक्ट करेंगे. सो बेसिकली नाउ वी आर गोइंग टू सेलेक्ट फॉर्म कॉन्स्ट फॉर्म इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट फॉर्म और हम एक और चीज सेलेक्ट करेंगे अपने आईएनपी हमारे इनपुट फील्ड को. So constant int equals to document dot query selector dot int, right? So हमने यहाँ पे सारी चीजें सेलेक्ट कर ली हैं जिन चीजों की भी हमें जरूरत होगी जो कि हमारे HTML के एलिमेंट्स हैं. हमने उन्हें यहाँ पे JavaScript में सेलेक्ट कर लिया. Now हम लोग करेंगे क्या, बेसिकली what we're going to write is form डॉट एड इवेंट लिसनर. हम इसमें अपना एक इवेंट लिसनर ऐड करेंगे जिसका नाम होगा सबमिट, राइट. और हम इसे एक फंक्शन दे देंगे, बेसिकली हम इसे देंगे शो वेदर, शो वेदर, राइट. तो हमें यहाँ पे इसे एक फंक्शन दे दिया शो वेदर. सो बेसिकली यहाँ तक हमने कर दिया. अब हम क्या करेंगे, अपने फंक्शन को बनाएंगे. सो वी आर गोइंग टू डिफाइन आवर फंक्शन show weather. इसके अंदर हम बेसिकली कुछ नहीं लिखेंगे, we're just gonna write alert SHO WVEAR, right? We're just gonna write show weather. Let's see क्या मिलता है हमें. So basically now अगर हम यहाँ पे कुछ भी डालें like Delhi, जैसे ही हम इसमें एंटर करेंगे हमें एक अलर्ट आएगा शो वेदर का. अब यहाँ पे हम कुछ भी डाल दें, जैसे मुंबई डाल दें तो भी हमारा आएगा शो वेदर. हम यहाँ पे बैंगलोर डाल दें उसमें भी हमारा आएगा शो वेदर. और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो थोड़ी कम है क्योंकि हमारा जी जो है वो थोड़ा सा कट गया नीचे से. So basically what we are going to do is कि हम अपने input field की जो height है उसे थोड़ा सा बढ़ाते हैं. जैसे यहाँ पे 40 है, we're just gonna go with 45, right? अब देख सकते हैं यहाँ भी अच्छे से दिखता है basically. So what we are going to do is हम यहाँ से alert हटाएंगे. और हम लोग करने क्या वाले हैं इसमें कि हम लोग basically अपने API को fetch करेंगे, right? So हम सबसे पहले इस function को एक async फंक्शन बनाते हैं. अब बेसिकली async फंक्शन क्या होता है कि वो इसलिए होता है, अगर आप कहीं भी एक फंक्शन देखें जिसके आगे आगे ऐसे ऐसे async लिखा हुआ है, बेसिकली वो इसलिए होता है कि ये फंक्शन जो होगा, ये पूरा फंक्शन, अब ये हमारा बेसिकली एक प्रॉमिस शो करेगा हमें, राइट. सो ये पूरा फंक्शन अगर हमने यहाँ पे async लिख दिया है, इसका मतलब कि अब ये पूरा फंक्शन जो है वो हमें रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस. अब प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस बेसिकली एक ऐसा कोड होता है जो कि जिससे एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है और उसके एग्जीक्यूशन जो हमारा जो टाइम लगने वाला है उसके लिए हम उससे वेट कराएंगे ताकि जो डेटा है हमारा वो अच्छे से शो हो, पूरा लोड हो जाए उसके बाद हमारा सारा डेटा एक्चुअली शो हो. सो बेसिकली हम यहाँ पे लिखने के वाले हैं कि हम एक कॉन्स्टेंट बनाएंगे रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट await fetch. हम basically यहाँ पे fetch करेंगे. So what we're going to fetch is हम यहाँ पे basically डालने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये API है. हम नीचे जाएंगे यहाँ पे तो हमें ये वाली API यूज़ करनी है, current weather data. हम यहाँ जाएंगे API docs पे और उसके बाद हमें ढूंढना है कि एक ऐसा weather API जो कि city name से हम उसे देख सकते हैं. अगर हम अपने input field में city नाम डालें तो वो हमें उस सिटी का वेदर शो करे. सो बेसिकली हमें मिलेगा यहाँ पे, जैसे क्या देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है
built-in API request by city name. So हम लोग इस API को call करेंगे. We are just going to copy this link और हम यहाँ पे इसे paste कर देंगे. So अब basically हमें यहाँ पे करना क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे city name लिखा हुआ है और यहाँ पे API key लिखी हुई है, right? तो सिटी नेम तो हम अपना ला देंगे यहाँ इनपुट की वैल्यू से. सो बेसिकली हम यहाँ ऊपर लिखते हैं कॉन्स्टेंट, राइट, सो सिटी नेम इक्वल्स टू INP डॉट वैल्यू, राइट. सो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि सिटी नेम जो होगा हमारा वो INP वैल्यू होगा. तो हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है Q इक्वल्स टू सिटी नेम, ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम इसे हटा के यहाँ पे लिख देंगे और हम यहाँ पे एक्चुअली लिखेंगे डॉलर साइन लगा के. व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज आवर सिटी नेम, राइट. और यहाँ पे API की जगह हम यहाँ पे अपना API की डाल देंगे ID में. सो बेसिकली API की हम यहाँ से लाने वाले हैं. अभी हम जाएंगे यहाँ पे. तो बेसिकली ये जो हमारा API है ये ओपन वेदर मैप, आपको यहाँ पे पहले आना पड़ेगा, आपको लॉगिन करना पड़ेगा. अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया तो आपको साइन इन करना पड़ेगा. साइन इन करने के बाद आपसे पूछेगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है या फिर आप एक इंडिविजुअल हैं, वो सब चीज़ें. फिर आपका ईमेल एड्रेस मांगेगा, उसके बाद आप लॉगिन हो जाएंगे यहाँ पे. उसके बाद आप यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है माई API keys, आप इस पर क्लिक करेंगे. तो हमने यहाँ पे साइन इन कर लिया सक्सेसफुली और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 3 API keys पहले ही कॉल कर रखी हैं. सो आप यहाँ पे कोई भी अपना एक नई API key कॉल कर सकते हैं. यहाँ पे बेसिकली API key का नाम लिखना पड़ेगा. सो नाम में आप कुछ भी लिख दीजिए, जैसे वेदर ऐप, और आप यहाँ पे जनरेट करेंगे. यहाँ पे आपकी एक API key जनरेट हो जाएगी जैसे कि आप देख सकते हैं. और अभी आप इस API की को मैं ऐसे तो नहीं लेने वाला क्योंकि मैंने बहुत पहले जो कॉल किया हुआ है हम उसी को लेंगे. और आप यहाँ पे कितने भी API कीज बना सकते हैं. नाउ बेसिकली यहाँ पे जो हमारा ऐप ID लिखा हुआ है इसके बाद हम इसे पेस्ट कर देंगे अपने ID को. और अब हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे कॉन्स्टेंट डेटा इक्वल्स टू await response.json. basically इस लाइन का मतलब क्या है कि हम डेटा, अब बेसिकली क्या होने वाला है कि हमने यहाँ पे फेच किया इस लिंक को. सो बेसिकली ये करेगा क्या कि इस लिंक से ये सारी इंफॉर्मेशन लेके आएगा और उसे json में कन्वर्ट कर देगा. सारे रिस्पॉन्स को json में कन्वर्ट कर देगा और भाई हमारा डेटा है. ओके सो अगर हम यहाँ पे अब लिखें कॉन्सोल डॉट लॉग डेटा, राइट. नाउ अगर हम यहाँ पे इससे यहाँ पे अगर हम डालें, लेट्स फर्स्ट हम पहले इंस्पेक्ट खोल लेते हैं और हम यहाँ पे आते हैं अपने कॉन्सोल पे. और अब यहाँ पे अगर हम किसी भी सिटी के नाम डालें, लेट्स से दिल्ली, तो हमें यहाँ पे एक प्रॉमिस शो होना चाहिए जो कि हमारा एक्चुअल डेटा हो. ओके सो बेसिकली हमसे यहाँ गलती क्या हुई है कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ था Q इक्वल्स टू, उसके बाद हमें यहाँ पे डॉलर साइन लगा के लिखना था. ओके यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपने सिटी नेम, राइट. नाउ अब ये काम करना चाहिए. लेट्स सी, फिर से डालते हैं हम लोग दिल्ली. तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा पूरा डेटा शो हो रहा है. अब हम इसे अगर एक्सपैंड करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस हमारा लिखा हुआ है, स्टेशंस, और यहाँ पे क्लाउड्स कैसे हैं, COD क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, मेन में हमारा क्या है, टेम्परेचर कितना है, ये सब. और ये जो टेम्परेचर है ये हमारा फारेनहाइट्स में, और हमारा नेम क्या है सिटी का, तो वो हमारा दिल्ली है. ये सारी चीज़ें हैं, पूरा वेदर है यहाँ पे हमें शो हो रहा है, एक एक चीज़ें. तो हमने यहाँ पे बेसिकली डेटा ले लिया. नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज हम अब इस पूरे डेटा को एक्चुअली हमारे HTML एलिमेंट के हिसाब से शो करेंगे, राइट. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस डेटा में हमारा जो
नेम है, यहाँ पे लिखा हुआ है नेम दिल्ली, राइट। तो हम चाहते हैं कि जो भी हम नाम यहाँ पे डालें वो नाम यहाँ पे इस डेटा के हिसाब से यहाँ पे आ जाना चाहिए स्क्रीन नेम, राइट। तो अगर हम यहाँ पे लिखें, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है सिटी नेम, राइट। सो वी जस्ट गोना राइट सिटी अंडरस्कोर नेम डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू, और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने सिटी नेम के अंदर H1 में डिफाइन किया हुआ दिल्ली, राइट। तो हम यहाँ पे बेसिकली लिखेंगे H1 और हम यहाँ पे लिख देंगे अपना सिटी का नाम बेसिकली, राइट। सो वी जस्ट गोना राइट डॉलर साइन डेटा डॉट नेम, तो यहाँ पे हमारा नेम लिख के आ जाएगा, राइट। सो सेव करके देखते हैं एक बार आ रहा है कि नहीं। तो अगर हम सपोज यहाँ पे मुंबई डालते हैं और अगर हम अब इस पर एंटर क्लिक करें तो हमारा यहाँ दिल्ली की जगह मुंबई लिख के आना चाहिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो सिटी नाम है वो मुंबई चेंज हो गया है। अब अगर हम यहाँ पे सपोज बैंगलोर डालते हैं तो यहाँ पे बेंगलुरु लिख के आ रहा है, क्योंकि हमारे एपीआई के हिसाब से इसका जो नाम है वो है बेंगलुरु, तो वो ये नाम यहाँ पे लिख के आएगा, राइट। अब ऐसे ही हम कुछ भी लिखते हैं, लाइक सपोज अब हम यहाँ पे कोई और नाम लिखते हैं जैसे लंदन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लंदन लिख के एक्चुअल में आ रहा है, राइट। तो हमारा पहला काम तो हो गया, हमने सिटी नेम को प्रिंट करा दिया। नाउ व्हाट वी गोइंग टू डू इज हम टेम्परेचर प्रिंट कराने वाले हैं। सो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है टेम्परेचर को TEMP के नाम से, सो टेम्प डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, हम यहाँ पे देख सकते हैं टेम्प के अंदर हमने यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रॉन्ग, राइट। सो हम बेसिकली जावास्क्रिप्ट में जाके हम बस बेसिकली लिख देंगे स्ट्रॉन्ग डॉलर साइन, और हमारा टेम्परेचर बेसिकली यहाँ दिया कहाँ हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा के अंदर हमारा जो मेन है उसके अंदर हमने यहाँ पे टेम्प दिया हुआ है, राइट। तो हम बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट मेन डॉट टेम्प, राइट, टेम्परेचर, और फिर हम यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हमने अपना स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज कर दिया, उसके बाद हम यहाँ पे बेसिकली अभी हम इसे ही कॉल करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बेसिकली यहाँ लिखें मुंबई, तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे नाम लिख के आ रहा है सिटी का, और यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है, लेकिन ये जो है टेम्परेचर ये फ़ारेनहाइट्स में है, हमें चाहिए सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं APIs में जाके API docs में यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में, सो बेसिकली हमें यहाँ पे चाहिए मेट्रिक यूनिट, राइट। अगर आप यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर टेम्परेचर इन सेल्सियस यूज यूनिट्स इक्वल टू मेट्रिक, सो हम लोग बेसिकली यहाँ पे यूनिट्स लिखने वाले हैं, इसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे बीच में यहीं पे यूनिट यूनिट्स इक्वल्स टू मेट्रिक, फाइन। अब हमारा जो टेम्परेचर आना चाहिए वो सेल्सियस में आना चाहिए, सो लेट्स से दिल्ली, जैसे कि आप देख सकते हैं दिल्ली में अभी 22 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है 22.05 आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि केवल 22 लिख के आए। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम बेसिकली टेम्परेचर को कॉल करेंगे, लेकिन यहाँ पे डेटा डॉट मेन डॉट टेम्पो हम कॉपी करेंगे और यहाँ लिख देंगे बेसिकली मैथ डॉट राउंड, उसे राउंड ऑफ करने के लिए, और हम यहाँ पे लिख देंगे वही सेम चीज़,
math.name.main.temperature, right? So अगर हम यहाँ पर डालें दिल्ली तो हमारा केवल 22 आएगा, 0.05 वो सब चीज़ें नहीं आएंगी, राइट। और अब हम यहाँ पे इसे स्ट्रॉन्ग के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं डिग्री, सो सुपरस्क्रिप्ट टैग लगा के हम लिख सकते हैं। राइट, एक बार फिर से लिखते हैं यहाँ पर दिल्ली। तो बेसिकली ये हमारा स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर होने वाला है। तो हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया, नाउ वी आर जस्ट गोना राइट क्यूपी। राइट, अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा अच्छे तरीके से आ रहा है दिल्ली, और यहाँ पे लिखा हुआ है 22 डिग्री सेल्सियस। सो हमारा टेम्परेचर हो चुका है, मैसिटी नाम हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू चेंज द स्टेटस। सो स्टेटस वी कैन राइट वेदर स्टेटस, वेदर स्टेटस। और हम यहाँ पे भी इसे चेंज कर देते हैं, यहाँ पे स्टेटस लिखा हुआ है राइट, सो इट्स गोना राइट वेदर स्टेटस राइट। और अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेदर स्टेटस डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू हमारा इसके अंदर क्या है, स्टेटस के अंदर बस आई है, आई टैग है, और उसके अंदर लिखा हुआ है क्लाउड्स राइट। सो हम यहाँ पे लगाएंगे अपना इटैलिक टैग, और उसके अंदर लिखेंगे हम अपने वेदर का स्टेटस राइट। सो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ डेटा के अंदर हमारे इसमें जो वेदर है एक्चुअली ये एक एरे है, और उस एरे में जो हमारा जीरो एंड फर्स्ट एलिमेंट जो है, यानी कि सेकेंड एलिमेंट जो है, वो हमारा बेसिकली बता रहा है कि हमारा वेदर क्या है, कैसा है, स्मोक है वहाँ पे, रेन हो रहा है, क्या है, तो वो हमें कॉल करना है। तो बेसिकली हम इसे सेलेक्ट कैसे करेंगे, व्हिच इज़ गोना राइट डेटा डॉट वेदर, और ये एक एरे है, सो जीरो डॉट मेन। अब इसे हम सेव करते हैं और हम यहाँ पे फिर से डालेंगे डेली। जैसे कि आप देखते हैं डेली डालते ही हमारा यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअली स्टेटस भी हमारा चेंज हो रहा है। यहाँ पे पहले क्लाउड्स लिखा था, लेकिन अब यहाँ पे स्मोक लिख के आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली में हमारा स्मोक है इस वक्त। हम वेदर पे जाएंगे और यहाँ पे मेन में लिखा हुआ है स्मोक राइट। नाउ बेसिकली हमें जो अपडेट करना है वो है ह्यूमिडिटी और विंड स्पीड। तो हम जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे विंड में सबसे पहले ह्यूमिडिटी चेंज करना है राइट। तो और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा है, उसके अंदर मेन है, और उसके अंदर हमारा यहाँ पे ह्यूमिडिटी लिखा हुआ है। सो बेसिकली हम यहाँ पे आएंगे और अपने ह्यूमिडिटी को भी सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ह्यूमिड डॉट इनर एचटीएमएल, और हम यहाँ पे देखेंगे अपने एचटीएमएल में किस तरीके से लिखा हुआ है। तो हमारे ह्यूमिड के अंदर बस एक टेक्स्ट है सिंपल राइट। तो इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू राइट डेटा डॉट मेन डॉट ह्यूमिडिटी। अब आई गेस ये चेंज होना चाहिए, सो वी जस्ट गोना राइट डेली। और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक्चुअली डेटा शो हो रहा है, यहाँ पे सिटी नेम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर स्टेटस, और यहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल भी हमारा चेंज हो रहा है 68, पहले यहाँ पे 33% लिखा हुआ था, नाउ इट्स 68, सो इट्स अपडेटिंग।
अब हम बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज साइन अपना ऐड करेंगे. सो ऐड परसेंटेज साइन, राइट. सी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा परसेंटेज साइन भी ऐड हो चुका है. तो हमारे जो भी डेटा है वो एक्चुअली अपडेट हो रहा है. हमें बारी है विंड स्पीड अपडेट करने की, राइट. तो लेट्स सी विंड स्पीड एक्चुअली है क्या देर. विंड स्पीड यहाँ पे आप देख सकते हैं विंड में उसके अंदर हमारा स्पीड है, राइट. तो डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड. अब हम यहाँ पे एक्चुअली कॉल करेंगे अपने विंड स्पीड को, विंड स्पीड डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल्स टू डेटा डॉट विंड डॉट स्पीड. और हम यहाँ पे के एम पी एच ऐड कर देते हैं, के एम पी एच. नाउ हम यहाँ पे अगर डालें मुंबई तो हमारा एक्चुअल डेटा यहाँ पे आ रहा है. मुंबई इस वक्त यहाँ पे 29 डिग्री सेल्सियस है. यहाँ पे वेदर हमारा हेज है, ह्यूमिडिटी 70% और विंड की जो स्पीड है वो है 2.06 किलोमीटर पर आवर. तो हमारा पूरा यहाँ पे एक्चुअल डेटा यहाँ पे शो हो रहा है. अब हमें बेसिक क्या करना है कि यहाँ पे इस जो लिखा हुआ है हमारा वेदर का स्टेटस उसके हिसाब से हमें पीछे बैकग्राउंड में जो वीडियो चल रहा है उसे चेंज करना है और यहाँ पे जो आइकन है उसे चेंज करना है. तो वो हम बेसिकली सिंपल तरीके से अपना करने वाले हैं कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखेंगे. इफ डेटा डॉट डेटा डॉट वेदर और ये एरे है 0 डॉट मेन इक्वल्स टू स्मोक. लेट्स गो विथ क्लियर, राइट. अगर हमारा जो वेदर है पूरा क्लियर हो तो हम बेसिकली करने क्या वाले हैं कि बैकग्राउंड वीडियो जो है हमारा वो चेंज होना चाहिए. सो हमने यहाँ पे बैकग्राउंड वीडियो को आई गेस कॉल सेलेक्ट नहीं किया, राइट. बैकग्राउंड वीडियो तो हम यहाँ पे इसे भी सेलेक्ट कर लेते हैं. कॉन्स्टेंट ईजी वीडियो इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर. Right. हमने यहाँ पे अपने बैकग्राउंड वीडियो को भी सेलेक्ट कर लिया और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो एक्चुअली पिक्सेल्स की वेबसाइट से डाउनलोड कर रखे हैं. सो अगर हमें क्लियर स्काई चाहिए होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियर डॉट एम पी फोर है. अगर हमें क्लाउड वाला वेदर मिला और हमें उसका वीडियो चलाना होगा तो हमें यहाँ पे क्लाउडी डॉट एम पी फोर है. और अगर हमें हेज मिला सो यहाँ पे हेज डॉट एम पी फोर है. अगर मिस्ट मिला सो मिस्ट डॉट एम पी फोर है. सो बेसिकली हमारे पास सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप चाहे डाउनलोड कर सकते हैं पिक्सेल्स की वेबसाइट्स. सो जो हमारा डिफॉल्ट था वो था क्लाउडी डॉट एम पी फोर. तो बेसिकली अब यहाँ पे इसे चेंज करते जाएंगे, ओके. तो हमारा एक है क्लियर, राइट. सो इसमें राइट क्लियर डॉट एम पी फोर. और अगर else if हम इसे कॉपी कर लेते हैं, क्लियर की जगह हम लिख देंगे फिर से हेज. तो हम बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें पीछे वीडियो का जो src है वो हमें चेंज करना है टू हेज डॉट एम पी फोर.
राइट। तो चल के देखते हैं ये एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे ये है, और अब हम यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअली मुंबई। अब जैसे मैंने मुंबई डाला तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे जो करंट हमारा स्टेटस है वेदर का वो हेज है। तो पीछे जो वीडियो चल रहा है बैकग्राउंड में वो हेज का वीडियो चल रहा है, और हमारा ह्यूमिडिटी यहाँ पे शो हो रही है, विंड स्पीड शो हो रही है एंड एवरीथिंग। विंड स्पीड में आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा हमें स्पेस देने की ज़रूरत है, राइट। सो हम बेसिकली यहाँ पे जाएंगे और MPH के बीच में स्पेस दे देंगे स्पेस, और यहाँ पे हम अगर अब लिखें मुंबई। सो बेसिकली यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो पीछे बैकग्राउंड में वीडियो भी चल रहा है, यहाँ पे स्पेस भी आ रहा है, और एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अब हमें क्या चाहिए कि हम आइकन भी चेंज करें, राइट। तो हम बेसिकली करेंगे क्या कि अपने बूटस्ट्रैप वाले आइकन की वेबसाइट पे जाएंगे, और यहाँ पे हम अपने टाइप करेंगे हेज। तो हमें हेज के लिए जो वीडियो मिला है वो बेसिकली ये है क्लाउड हेज। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं। आप चाहें तो कोई भी आइकन यूज कर सकते हैं, मैंने इसे चूज किया है। सो बेसिकली हम यहाँ पे अब क्या करने वाले हैं कि हम यहाँ पे आइकन को बदलने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है, हमने आइकन सेलेक्ट किया हुआ है, राइट। सो हम यहाँ पे लिखेंगे आइकन डॉट इनर HTML इक्वल्स टू, और हम यहाँ पे अपना SVG कोड कॉपी कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, और हम यहाँ पे इसे 96 दे देते हैं बिकॉज आइकन की हमारी हाइट और वेट वही है, और जो हमारा करंट कलर होगा वो हो जाएगा वाइट। ऑलराइट, तो हेज हमारा बेसिकली मुंबई में, राइट। सो जस्ट गोना राइट मुंबई, एंड एज यू कैन सी हमारा यहाँ पे आइकन भी चेंज हो रहा है, स्टेटस भी चेंज हो रहा है, पीछे वीडियो भी बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है, सब कुछ वेदर के हिसाब से चेंज हो रहा है। सो यस गाइस, वी बिल्ड आवर वेदर ऐप। और बेसिकली आप यहाँ चाहें तो बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप अब क्लियर है, हेज है, और जितने भी हमारे वेदर के कंडीशंस होते हैं, जैसे अब यहाँ पे स्मोक आ जाएगा, यहाँ पे क्लाउड्स आ जाएंगे, तो उस हिसाब से आप बैकग्राउंड वीडियो अपना सेलेक्ट करिए पिक्सल्स की वेबसाइट से। यहाँ पे आप जो वीडियो चूज़ करेंगे आप उसे यहाँ पे बेसिकली लगा सकते हैं, उसे बैकग्राउंड में ऐसा बैकग्राउंड रख सकते हैं। सो जो आइकन चूज़ करना चाहें आप चूज़ कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंk you guys. Alright everybody, that's it for today. Thanks for watching. If you like the content I make, please consider subscribing to my YouTube channel. You can also follow me on my Instagram, Twitter, and LinkedIn. And don't forget to check out this playlist.